सो हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने इस गाय के ऊपर, जो कि इसे फ्लूइड भर गया था थन के आगे, इसको एडिमा कहते हैं, एडिमा हो गया था। तो इसको हमने बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो देखे थे जिसमें बोले जाते थे कि लैसिस का टैबलेट दे दीजिए, एक ही दिन में 24 घंटे में रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हमने खुद अपने इन पशुओं को लैसिस की टैबलेट और एविल वगैरह ये सब कुछ नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे लैसिस की टैबलेट से क्या होती है, हालांकि आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे दे सकते हैं, बट अपने फार्म पे अपने ये पशुओं को जो भी नेचुरल होती है, नेचुरल तरीके से, जैसे कि धनिया पत्ती के कर दिया। सो गाइज, अपने पास है इतना सारा धनिया जो कि इस गाय को देंगे, जो कि मस्टाइटिस जैसा हुआ था इसे, तो इसको खिलाते हैं। अभी हमारे पास आधा के जी है धनिया जो कि इस गाय को देंगे। इसे इसका कंडीशन दिखाते हैं अभी कैसा है, जो कि पहले से सही हुआ है या नहीं। और जो भी विधियां है उसके थ्रू ठीक किया है, जो कि इसे पशुओं को धनिया पत्ती भी, एक व्यूवर्स ही कमेंट किए थे, दिनेश जिस किए थे कि हाँ धनिया खिलाने से भी पशु ठीक हो जाती है। तो अपने पास ये लैसिस की टैबलेट लेकर आए थे, बट मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि नहीं, लैसिस की टैबलेट नहीं देनी है। इससे क्या होता है, लैसिस की टैबलेट से जो कि पशु को जो भी थन वगैरह में या कहीं पे भी सूजन वगैरह या वहाँ पे पानी भर जाते हैं, फ्लूइड हो जाते हैं, तो उसको ये बाहर निकालने की काम करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, जो कि वहाँ से फ्लूइड को ये जा अक्सर ये क्या करते हैं, ये टैबलेट जो कि पशुओं को मूत्र के वास्ते वो जो भी फ्लूइड रहता है उसको बाहर निकालते हैं। यानी कि इसका डायरेक्टली असर इससे पड़ता है कि पशु की मूत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालती है, उससे जहाँ पे फ्लूइड वगैरह रहते हैं, जहाँ पे पानी रहते हैं, जहाँ पे पशुओं में पानी भर गया रहते हैं, तो उसको बाहर करते हैं। लेकिन अपने ये पशुओं को अभी फाइनली 80-90% ठीक हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भर गया था यहाँ पे पानी, अभी सारा कुछ ठीक हो गया है। तो इसे हम लोग होम्योपैथिक भी दवा दिए थे और लैसिस की टैबलेट तो नहीं दिए थे। हालांकि आप लोग का अलग कंडीशन हो तो आप लोग अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन से दे सकते हैं, अदरवाइज अपने ये पशुओं को जो भी नेचुरल तरीका होता है, धनिया पत्ती के थ्रू, होम्योपैथिक, बेरेनिया, फैक्टोला का और बेलाडोना, ये का तीन दवा है जो कि अपने फार्म पे एनी टाइम रहते हैं, ये बहुत सारे डिजीज में काम करते हैं, बहुत सारे बीमारियों में काम करते हैं, जो कि इन्हीं के थ्रू ये थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है, बट ये रिजल्ट इसका अच्छा देखने को मिलता है। तो अपने इन पशुओं को फाइनली अपने ठीक कर लिया है, 80-90% ठीक है, 10% है जो कि वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो आप लोग से यही बस कहनी थी कि आप लोग डायरेक्टली दवा पे ना जाएं, दवा पशुओं को ना दें, जो भी नेचुरल तरीका है उसको भी इम्प्लीमेंट करें, उसे भी यूज करें, क्योंकि या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी डॉक्टर आपको जो रिकमेंड करे वो कर सकते हैं। चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।